इन वर्तमान के शंकराचार्यों को तो ज्ञान होगा कहाँ, इनके भगवानों को ज्ञान नहीं। श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री व्यास जी जो इनके धर्म गुरु कहलाते हैं, उनको ज्ञान नहीं तो इनको ज्ञान कहाँ से होगा, इनके पास सत्संग कहाँ से होगा। कोरा अज्ञान शास्त्र विरुद्ध ज्ञान सुना रहे हैं। देखिएगा श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके देखिएगा 28 पृष्ठ पे। अब व्यास जी जो इनकी धर्म गुरु शंकराचार्य परंपरा के गुरु हैं, वो क्या पूछते हैं। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी से किया था। देवादि देव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। ये कहने का भाव, ये विष्णु जी हैं। आगे देखो, चार भुजाएं हैं, पीताम्बर धारण करते हुए शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, वक्षस्थल पर श्री वस्त्र का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, विष्णु जी तपस्या कर रहा था, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तुम तो सब कुछ तू ही आप ही हो, और किस देवता के आराधना में ध्यान मगन है, आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस भगवान की पूजा करते हो। मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अपनात्मा ब्रह्मा जी के ये विनित वचन सुनकर भगवान श्री हरि श्री विष्णु जी फिर न्यों बोले, क्या बोले। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री देवी शक्ति देवी हैं। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम राजसी शक्ति का संचार हुआ है और मुझे सात्विक शक्ति मिली है, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते और मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेषनाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ, अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कृत्य हो जाता है। और यहाँ कमाल कर दिया, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, यानी दुर्गा की पूजा ध्यान करता हूँ, उसकी पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं।
अब ये है सत्संग श्री विष्णु जी का स्पिरिचुअल नॉलेज कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी भगवान को नहीं जानता, यही मेरा अंतिम देवता है, इससे बड़ा कोई भगवान नहीं। इन शंकराचार्यों को ज्ञान कहाँ से होगा, इनको भगवान को ज्ञान नहीं, इन्हों के दुर्गा से ऊपर कोई नहीं। अब दुर्गा क्या कहती है, श्री शक्ति देवी क्या कहती है, देखिएगा इसी के 562 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। वो अपना पहला स्कंद पढ़ा था, अब ये सातवां स्कंद है। संक्षिप्त श्री देवी भागवत 562 पृष्ठ पे, यहां देखिएगा। अब देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, अब देवी जी पहले तो अपने विषय में बताती है कि तुमने डले ढोने हैं तो मेरी पूजा कर लो, लेकिन उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि माने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो ब्रह्म प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह यह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है सौम्य। उस वेद ने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो। भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। अब क्या बताया कि प्रणव यानी ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब क्या कहती है दुर्गा देवी, क्या कहती है कि एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे। हर विष्णु जी ने कह है, विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी को नहीं जानता। अब यहाँ देवी जी कह रही है, श्री दुर्गा जी कह रही है कि एकमात्र ब्रह्म को जानो और सब बातों को छोड़ दो। अपनी पूजा को भी कहती है कि नहीं ये भी मत करो, केवल एक उस ब्रह्म की पूजा करो। देखना, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है, संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का ही सुलभ साधन है। देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। ये कहाँ गए वो अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। अब क्या कह रहे हैं हमारे साथ सदग्रंथ और देवी क्या बता रही है, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। यानी कोई अन्य आत्मा परमात्मा है, वो अन्य सबसे अलग है, ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है, वह है यह सबका आत्मा यानी सबका मालिक ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अपने आत्माओं, इवन इन शंकराचार्यों का ज्ञान कहाँ गया, वो ये कहते हैं ये जीव ही ब्रह्म है। और देवी कहती है कि सब पूजाएं छोड़ दो, विष्णु को तो समझा रही है, हरियाचार्य शंकराचार्य पूजे विष्णु जी नारायण को। विष्णु जी कहता मैं दुर्गा से ऊपर जानता नहीं, हिमालय को ज्ञान दे रही है। श्री दुर्गा जी बता रही है कि केवल एकमात्र उस ब्रह्म को पूजो, उसका ओम नाम है, नथिंग एल्स। और वो कहाँ रहता है ब्रह्मलोक में,
तो वहां चले जाओगे, उसके पास पहुंच जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वो कहती है ब्रह्म की पूजा करो। अब ब्रह्म क्या कहता है श्रीमद् भगवद गीता में, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के देखिएगा। श्रीमद् भगवद गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 हम आपको दिखाते हैं। ये क्या बताता है 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का। केवल ओम यह एक अक्षर है जो उच्चारण करके श्रवण करता हुआ, यह प्रयाति तजन देहम जो शरीर छोड़कर जाते जाता है ये श्रवण करता हुआ, स याति परमाम गतिम जो ओम से मिलने वाली, इन शुरू किया ओम ओम यह इनका अनुवाद है, यह एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, अक्षर रूप ब्रह्म को नहीं, ये को कहता माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, केवल एक ओम अक्षर है नथिंग एल्स। निचिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है, यानी ओम से होने वाली जो परम गति है ये ओम, और इन्होंने इस ओम को ऐसे लिखा अनुवाद में ओम ओम, ये समझो चाहिए ये समझो। अब ये तो है, कहता है मेरी साधना करनी है मुझ ब्रह्म की तो मेरा एक ओम मंत्र है। फिर इसने 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि सचिदानंद घन ब्रह्म, उस सचिदानंद घन ब्रह्म की साधना करने से तेरा पूर्ण मोक्ष होगा, फिर वहां पहुंच जाएगा जहां जाने के बाद लौटकर साधक फिर कभी संसार में नहीं आते। अपनी स्थिति को गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी स्थिति तो नाशवान है, मैं भी जन्म मृत्यु के अंदर हूँ और तू भी अर्जुन। देखिएगा अध्याय नंबर 2 का अब श्लोक नंबर 12 देखो। अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 12, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। हो गया स्पष्ट के गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मैं भी जन्म मृत्यु होती है, पहले भी थे तू और मैं, आगे भी होंगे, और ये ना सोच के हम वर्तमान में ही। आगे देखना 4 अध्याय के अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर ये 5 है, यहाँ इसकी संस्कृत है, यहाँ इसका अनुवाद है। ए प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। और फिर 9 में क्या कहा है अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 9 में, हे अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं अलौकिक हैं। अब अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी जन्म तो होता है लेकिन मेरे से उत्पन्न ये देवता नहीं जानते। देखिएगा अध्याय नंबर 10 का मंत्र नंबर 2, मेरी उत्पत्ति को, गीता ज्ञानदाता कहता मेरी उत्पत्ति को लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूँ। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता का की उत्पत्ति तो है लेकिन ये इससे उत्पन्न, इसके पुत्र रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, फिर इनसे आगे उत्पन्न जितने भी ये देव देवता हैं ये इस ब्रह्म के जन्म डेट ऑफ बर्थ को नहीं जानते। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।